हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैम मेंडिस की रिलीज़ हुई वॉर फिल्म 1970 के स्पॉइलर फ्री रिव्यू के बारे में कि कैसी है ये मूवी और आपको देखनी भी चाहिए या नहीं और मूवी में क्या क्या खास है, सब जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, कहीं भी स्किप मत करना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। इस मूवी को ऑल ओवर इंडिया में रिलीज कर दिया गया है 17 जनवरी को और ये मूवी ऑल ओवर इंडिया में इंग्लिश में रिलीज हुई है। फिल्म को डायरेक्ट किया है सैम मेंडिस ने। फिल्म की स्टोरी इंस्पायर है सैम मेंडिस के दादाजी की कही हुई कहानी पर जो उन्होंने सैम मेंडिस को बताई थी। सैम मेंडिस के दादाजी का नाम था एल्फ्रेड मेंडिस। पहले बात करता हूँ फिल्म की स्टार कास्ट के बारे में। तो स्टार कास्ट में है डेन चार्ल्स, जॉर्ज मकी, एंड्रू स्कॉट, मार्क स्ट्रॉन्ग, रिचर्ड मैडन एंड बेनेडिक्ट कंबरबैच। पहले बात करते हैं फिल्म की कहानी के बारे में। तो कहानी है 1917 की, वर्ल्ड वॉर वन के टाइम की। दो ब्रिटिश सोल्जर जिनका कैरेक्टर निभाया है डेन चार्ल्स ने, जॉर्ज मकी ने। जॉर्ज मकी के कैरेक्टर नाम है विलियम स्कोफील्ड एंड डेन चार्ल्स के कैरेक्टर का नाम है टॉम ब्लेक। कहानी दो कैरेक्टर्स पे ज़्यादा फोकस सकती है जिसमें दो ब्रिटिश सोल्जर्स हैं जिनको एक मिशन मिला है, जिनको एक मैसेज डिलीवर करना है एक बटालियन को, क्योंकि वो अगले ही दिन 1600 जवानों के साथ जर्मन फोर्सेस पे हमला करने वाले हैं। लेकिन उस बटालियन को नहीं पता है कि जर्मन फोर्सेस ने उनके लिए एक ट्रैप बिछा रखा है जिसमें वो फंसने वाले हैं। तो क्या ये दोनों सोल्जर्स अपना मिशन पूरा कर पाते हैं या नहीं, क्या इस मैसेज को वो बटालियन तक पहुंचा पाते हैं ताकि वो जर्मन फोर्सेस पे हमला ना करें, और रास्ते में इनकी काफ़ी सारी मुश्किलें भी हैं और दुश्मन के रास्ते को भी क्रॉस करना है इनको, तो क्या होता है मूवी में ये जानने के लिए तो आपको मूवी को ही देखना होगा। यह है मूवी का प्लॉट। पहले बात करेंगे मूवी के प्लस पॉइंट्स के बारे में। तो मूवी का जो डायरेक्शन है, मूवी का डायरेक्शन बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मूवी को डायरेक्शन मिला है, मूवी को डायरेक्ट किया गया है। मूवी को वन टेक में बनाने की कोशिश की गई है जिसमें वो लगभग कामयाब भी हुए हैं सैम मेंडिस। मूवी देखते हुए आपको पता नहीं चलेगा कब मूवी को कट किया गया है और दूसरे तरीके से स्टार्ट किया गया है, क्योंकि इसका जो वन टेक बनाने का तरीका है वो काफ़ी लाजवाब है और काफ़ी मूवी देखते हुए आपको पसंद भी आएगा, क्योंकि मुझे भी वो काफ़ी पसंद आया मूवी के वक्त। तो इसका जो डायरेक्शन है वो काफ़ी कमाल का किया है सैम मेंडिस ने। मूवी का जो सेकेंड प्लस पॉइंट है वो है मूवी की लोकेशंस और मूवी के सेट्स। जब भी वॉर के ऊपर मूवीज़ बनती हैं तो उसके सेट्स और उसकी लोकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और इस मूवी में भी सैम मेंडिस ने कमाल किया है, लोकेशंस और सेट्स बिल्कुल रियल रखे गए हैं। मूवी की कहानी वॉर के बाद की दर्शाती है और लोकेशंस इतनी रियल रखी गई हैं कि सैम मेंडिस की इस मामले में तारीफ करनी पड़ेगी। बात करेंगे मूवी के थर्ड प्लस पॉइंट के बारे में। तो मूवी के थर्ड प्लस में भी डायरेक्शन की ही बात करेंगे, क्योंकि लॉन्ग टेक जो डायरेक्शन रखा गया है वो कसमें लाजवाब है, काबिल तारीफ है, क्योंकि इसी वजह से आप मूवी में खो जाएंगे और मूवी से जुड़े रहेंगे, जो कि शायद इसके डायरेक्टर सैम मेंडिस चाहते भी थे ऑडियंस के साथ। बात करेंगे मूवी के फोर्थ प्लस पॉइंट के बारे में, जो कि है एक्टिंग। जी हाँ गाइज, एक्टिंग सभी एक्टर्स ने अच्छी की है, बट ज़्यादातर एक्टर्स का काम कैमियो के तौर पर ही हमें देखने को मिलता है। वो स्क्रीन पे आते हैं और थोड़ा सा सीन्स उनका होते हैं और फिर वो चले जाते हैं, लेकिन एक्टिंग के मामले में डेन चार्ल्स और जॉर्ज मकी दोनों ने ही अपने कैरेक्टर्स को बहुत ही बखूबी निभाया है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से निभाया है, और दोनों की ही एक्टिंग मूवी में बेस्ट है। बात करेंगे मूवी के फिफ्थ प्लस पॉइंट के बारे में। तो मूवी का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सिंपल है, बट उसके बावजूद ही मूवी को अच्छे से प्रेजेंट किया गया है। मूवी में कोई बहुत बड़े बड़े बैटल सीन देखने को हमें नहीं मिलते हैं, पर फिर भी मूवी में जब वॉर के बाद के सीन्स दिखाए जाते हैं कि वॉर्स कितनी खतरनाक होती है और कितनी डेंजरस होती है और क्या क्या नुकसान होता है उसके बाद, तो वो चीज़ें आपको मूवी से कनेक्ट रखेंगी। मूवी में आप कैरेक्टर से कनेक्ट रहेंगे, टेंशन, थ्रिल, सब कुछ मूवी में काफ़ी अच्छे से रखा गया है, और कनेक्ट रहेंगे आप पूरे वक्त मूवी से, कैरेक्टर से भी। बात करेंगे मूवी के वीक पॉइंट्स के बारे में, जो कि है पहला वीक पॉइंट, प्लॉट सिंपल है बहुत मूवी का, बट उसके बावजूद भी हम इसको नज़रअंदाज कर सकते हैं, क्योंकि मूवी की जो प्लॉट है वो वीक होने के बावजूद भी उसको अच्छे से प्रेजेंट किया है डायरेक्टर सैम मेंडिस ने। कुछ वीक पॉइंट्स और हैं मूवी में जिनके बारे में मैं बात नहीं करूँगा, क्योंकि अगर मैं उनके बारे में बात करूँगा तो आपका मूवी देखने का मज़ा ख़राब हो जाएगा और स्पॉयलर्स हो जाएंगे। तो ओवरऑल मूवी मस्ट वॉच है, मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि आपको ये मूवी थिएटर में ही जाके देखने चाहिए आईमैक्स में, क्योंकि इस मूवी को देखने का मज़ा आईमैक्स में ही है। तो मैं 1917 को दूंगा 4 स्टार्स गाइस, इसका 1 स्टार कटेगा क्योंकि इसका प्लॉट जो है वो सिंपल है, जैसे कि मैंने इसकी वीक पॉइंट में बताया। तो मैं इस मूवी को दूंगा 4 स्टार और मैं इस मूवी को हाईली रिकमेंड करूंगा आपको कि आपको ये मूवी ज़रूर देखनी चाहिए। अगर आपने 1917 देख लिया तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए आपको ये मूवी कैसी लगी, और वीडियो पसंद आया, अपडेट पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और एक बेल आइकन आएगा उसको भी दबा देना ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग अपडेट्स के संग। जय हिंद, वंदे मातरम।